नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मटेरियल बिन कार्ड क्या होता है, उसको कैसे भरते हैं, उसको भरने से हमें क्या फायदा होने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि बिन कार्ड होता क्या है और बिन कार्ड दिखता कैसे है। बिन कार्ड इज द रिकॉर्ड मेंटेन्ड अंडर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बाय द स्टोर डिपार्टमेंट एंड शोज द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, इश्यूड एंड बैलेंस इन हैंड आफ्टर ईच रिसीव्ड एंड इश्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक कार्ड और बिन कार्ड। बिन कार्ड जो है परपेचुअल इन्वेंटरी, जिसको हम फिजिकल इन्वेंटरी भी बोलते हैं, फिजिकल इन्वेंटरी का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम कितनी क्वांटिटी हमें रिसीव हुई, कितनी हमने इशू की और कितनी बैलेंस रह गई विद रेस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक आइटम हम मेंटेन करते हैं। दोस्तों ये जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है ये एक बिन कार्ड का फॉर्मेट है। कुछ इस तरीके से बिन कार्ड दिखाई देता है। बिन कार्ड को बेसिकली हम इन की एंट्री, जो मटेरियल इन हुआ और जो आउट हुआ, उन दोनों की एंट्रियों को नोट करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम बैलेंस स्टॉक निकाल सकें। अब जो ये बिन कार्ड है इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं या क्या क्या डिटेल्स होती हैं, कोई भी एक बिन कार्ड होगा उसमें बिन कार्ड नंबर, मटेरियल डिस्क्रिप्शन। बिन कार्ड नंबर के अंदर हम जितने भी बिन कार्ड बनाएंगे उसको सिक्वेंस में एक नंबर से शुरू करते हुए चले जाएंगे। मटेरियल डिस्क्रिप्शन में हम मटेरियल की डिटेल डालेंगे कि उस बिन कार्ड में क्या मटेरियल रखा हुआ है। इसके बाद आता है मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर इन्वेंटरी लेवल। इसके अंदर हम मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर इन्वेंटरी लेवल मेंटेन कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांजेक्शन डेट की, जो माल आया या गया वो किस तारीख को गया या आया, इशू स्लिप और चलान नंबर, अगर मटेरियल इशू किया तो किस इशू स्लिप के अगेंस्ट किया या मटेरियल रिसीव हुआ तो किस चलान या बिल के अगेंस्ट रिसीव हुआ, रिसीव्ड क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, इशू क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी इशू हुई और बैलेंस क्वांटिटी, और इस साथ ही साथ जो बिन कार्ड को मेंटेन कर रहा है उसके सिग्नेचर। तो बिन कार्ड आप लोगों को समझ में आया। बिन कार्ड एक तरीके का इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है जिसके अंदर हम किसी भी आइटम के बिन या रैक के अंदर एक कार्ड लगा देते हैं जिसके अंदर हम उसके मटेरियल के आने और जाने की एंट्रियां एंटर करते हैं और साथ ही साथ बैलेंस स्टॉक निकालते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिन कार्ड हमें रखना कहां पर है या हम बिन कार्ड को कहां रखें। जैसा आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हो, दाहिने साइड में एक रैक है और रैक में हमने बिन बना रखी है, तो जो हमने बिन कार्ड लगाया वो रैक के अंदर ही लगा दिया। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये सारी बिनें रखी हुई हैं और हर बिन के अंदर एक एक बिन कार्ड लगा हुआ है और ये सेंटर में हमने उस आइटम की लिस्ट लगा रखी है। तो बेसिकली हमें बिन कार्ड को कहाँ रखना है, बिन कार्ड को हमें उसी आइटम की बिन में रखना है। अगर आइटम बड़े हैं तो हमने उसको उस आइटम के रैक पे लगा देना है ताकि जो भी स्टॉक को मेंटेन करे उसको रियल टाइम पता चले। अगर आप लोगों ने स्क्रीन को सही ढंग से देखा है तो ऊपर एक शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है OLRT, जिसका मतलब है ऑफलाइन रियल टाइम। ये सिस्टम तो ऑफलाइन है, मतलब हम ये कागजों में मेंटेन कर रहे हैं, हार्ड कॉपी में मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये रियल टाइम सिनेरियो दे रहा है, रियल टाइम पिक्चर दे रहा है कि हमारे हाथ में कितना स्टॉक है या स्पेसिफिक आइटम का कितना बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। इससे क्या मदद मिलती है कि कोई भी स्टोर मैनेजर या स्टोर कीपर आसानी से क्वांटिटी बैलेंस क्वांटिटी निकाल सकता है और मटेरियल के कम होने पर ऑर्डर डाल सकता है। अब एक सैंपल बिन कार्ड देख लेते हैं कि भरा हुआ बिन कार्ड कैसा दिखाई देता है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये एक भरा हुआ बिन कार्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिन कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बिन कार्ड नंबर होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन है, आइटम की डिटेल होनी चाहिए, आइटम की डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है, मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन है, उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर मेंशन है, इश्यू स्लिप नंबर, बिल चलान नंबर मेंशन है, रिसीव क्वांटिटी मेंशन है, इश्यू क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी, साइन
जो स्टोर कीपर है या स्टोर सुपरवाइजर है उसके सिग्नेचर। तो जो जो चीजें मैंने आपको स्लाइड वन में दिखाई कि एक बिन कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पे सारी चीजें बनाई हुई है। अब इसको भरना कैसे है, जैसे यहाँ आप एक एंट्री देख रहे हो 9/10/2019, तो 9/10/2019 को हमने आइटम लिया ज्वाइंटर जिसका आइटम कोड था 1 2 3 4 5 6। तो हमने वो सबसे पहले क्या करना है, उसका ओपनिंग बैलेंस निकालना है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है या क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जब हम किसी आइटम की इन्वेंटरी करते हैं, फिजिकल इन्वेंटरी, तो हमें जितनी क्वांटिटी मिलती है उसको हम ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग क्वांटिटी या क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं। तो जब हमने ज्वाइंटर का ओपनिंग बैलेंस निकाला तो वो हमें मिला 200 पीस। कितनी तारीख को, 9 तारीख को। अब इसके बाद 10 तारीख को ये मटेरियल 251 नंबर बिल के अगेंस्ट में हमें 150 पीस रिसीव हुआ। तो हमने एंट्री कहाँ करनी है, रिसीव क्वांटिटी वाले कॉलम में। अब 200 पीस पहले से मौजूद था, 150 पीस और आ गया, तो ये मिलके कितना हो गया, 350 पीस, और स्टोर सुपरवाइजर ने यहाँ पे साइन कर दिए। अब सेम डेट को हमने शाम को मटेरियल इसमें से इश्यू किया। इश्यू क्या किया, इश्यू हमने किया स्लिप नंबर 1 2 3 के अगेंस्ट में। तो अब एंट्री कहाँ जाएगी, इश्यू वाले कॉलम में। कितने पीस किए, 50 पीस। 350 हमारे पास पहले से अवेलेबल थे, 50 हमने इश्यू कर दिया, यानी कि माइनस की एंट्री होगी। तो 350 से 50 चले गए तो हमारे पास 300 पीस बचे। तो इसी तरीके से एक आइटम का लेजर बनता हुआ चला जाएगा। हमने डेट बाई डेट स्पेसिफिकली जिस डेट को मटेरियल रिसीव हो रहा है या इश्यू हो रहा है, सिर्फ उसी डेट की हमने बिन कार्ड के अंदर एंट्री करनी है। हमने इसमें डेली के डेली एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन मटेरियल आया या जिस दिन गया उस दिन की एंट्री हमें करनी है। अगर एक दिन में 2 बार भी मटेरियल जा रहा है तो हमें इसमें 2 बार एंट्री करनी है। तो इस तरीके से हमें बिन कार्ड को मेंटेन करना है। तो बिन कार्ड को मेंटेन करने का फायदा सबसे बड़ा यही है कि अगर कोई हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, या हम बड़ी इनिशियल स्टेज पर हैं, या हम अभी कैपेबल नहीं है कोई सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, कंप्यूटर लगाने के लिए स्टोर में, तो हम अपने आइटमों के ऊपर मटेरियल बिन कार्ड लगा सकते हैं और इससे भी हम एक अपनी स्टॉक की डिटेल ले सकते हैं। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि बिन कार्ड, स्टॉक लेजर और ईआरपी या सैप में क्या क्या चीजें होती हैं, या इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बिन कार्ड क्या है, स्पेसिफिक किसी आइटम के लिए मेंटेन होता है, एक आइटम के लिए एक बिन कार्ड लगता है, और उस आइटम के बिन कार्ड से हम उसकी पूरी स्टॉक समरी निकाल सकते हैं कि वो मटेरियल कब कब गया, कब कब आया, और कितना बैलेंस कितनी तारीख को था। तो ये हो गया सिंगल आइटम के लिए, फॉर वन आइटम इज बिन कार्ड। अब आ जाता है स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या होता है कि हम तकरीबन 100-150 आइटम का लेजर बना सकते हैं। लेजर क्या होता है, जो ये बिन कार्ड है सेम फॉर्मेट यूज होता है लेजर के लिए। जैसे आप यहां भी देख पा रहे हो, इनकी एंट्री होगी, आउट की एंट्री होगी, बैलेंस होगा, सिग्नेचर होगा, तो सेम फॉर्मेट होता है लेजर का भी। बस इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें एक इंडेक्स बना होगा हर आइटम का, लेजर के लिए सीक्वेंस नंबर होगा, उस सीक्वेंस के हिसाब से हम आइटम को इसके अंदर, स्टॉक लेजर के अंदर ढूंढ सकते हैं और इसकी इन आउट की एंट्री चढ़ा सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, बिन कार्ड, फिर दूसरा स्टेप होगा स्टॉक लेजर। बिन कार्ड हो गया सिंगल आइटम के लिए, स्टॉक लेजर हो गया मल्टीपल आइटम के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा और फाइनल स्टेप, वो क्या है, हमारा ईआरपी और सैप। ईआरपी या सैप के अंदर हम सारे आइटमों की आने की एंट्री, जाने की एंट्री कंप्यूटर के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं, और एट अ टाइम, विद इन सेकेंड्स, विद टच ऑफ वन क्लिक, मतलब कि एक बटन दबाने की देर है, हमें स्टॉक समरी देखनी है किसी आइटम की, हमने उस आइटम का आइटम कोड डाला, आइटम का नाम डाला और उसकी समरी निकल के आ गई कि ये आइटम इतनी इतनी तारीख को आया था, इतनी तारीख को गया था। तो क्या है बिन कार्ड, क्या है, एक इनिशियल स्टेज का सिस्टम है। स्टॉक लेजर एक हमने बीच में एक सिस्टम बना लिया, जब हम हमारे पास आइटम ज्यादा हो गए तो हमने स्टॉक लेजर मेंटेन कर लिया, बिन कार्ड भी मेंटेन कर रहे हैं, स्टॉक लेजर भी। इसके बाद हमारा तीसरा सिस्टम आ जाता है जो ईआरपी से, जिसके अंदर हमने फुली ट्रांसफॉर्म कर लिया सब कुछ, पेपरलेस करके हम सब कुछ क्लाउड पे ले गए या सब कुछ कंप्यूटर पे ले गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो आपके डाउट्स थे बिन कार्ड को लेके, स्टॉक लेजर को लेके, वो मैं समझा पाया हूं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाई हो, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं
और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में बताता हूँ, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंडर हम ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं साइट्स के ऊपर जाके। तो आपको या आपके किसी कलीग को इस तरीके की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।